मीम स्टॉक्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं एंजल वॉन के यूट्यूब चैनल पर। आई एम श्योर कि हम सब लोगों ने ये वर्ड कभी ना कभी तो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की दुनिया में सुना ही होगा। जहां बहुत से ट्रेडर्स ने मीम स्टॉक्स में पैसा बनाया है, वहीं बहुत से ट्रेडर्स ने पैसा डुबाया भी है। वेल, आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर वॉचिंग आवर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन कैच मी ऑन एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे। तो चलिए आज के वीडियो में हम मीम स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं एंड समझते हैं कि ये क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और एंड में कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। सो व्हाट इज अ मीम स्टॉक? मीम स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जाती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कुछ लोग इन स्टॉक्स को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फोरम्स पर डिस्कस करते हैं एंड बाकी लोगों को इनकरेज करते हैं बाय करने के लिए। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, इट माइट बी रेडिट, ट्विटर और एनी अदर प्लेटफॉर्म। हाउएवर, जिस तरह शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ती है, उसी तरह बहुत तेजी से इन स्टॉक्स की प्राइस में डाउनफॉल भी आ सकता है। बेसिकली ओवरऑल मार्केट के कंपेरिजन में ये स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। बट हाउ डू दे एक्चुअली वर्क? सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस कि ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे इन स्टॉक्स की सोशल मीडिया पर हाइप बनती है एंड कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इनसे पैसे कमाते हैं। सो फर्स्ट इज अर्ली अडॉप्टर फेज। सो इनिशियली अ हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टर्स एक स्टॉक्स को चूज करते हैं जिसकी प्राइस वो इंक्रीज करना चाहते हैं, और उनकी काफी सारी रैशनल हो सकते हैं फॉर चूजिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें लगता है कि कोई कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है, या हो सकता है कि उन्हें लगता हो ऐसा करने से बड़े फंड हाउसेस को काफी लॉसेस होंगे। सो आफ्टर चूजिंग द स्टॉक्स, इन्वेस्टर्स उन्हें परचेज करना स्टार्ट करते हैं इन लार्ज अमाउंट्स, व्हिच लीड्स टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस। सेकेंड इज द मिडिल फेज। फिर आता है मिडिल फेज, शेयर्स की वॉल्यूम में सडन राइज होने के कारण ऐसे इन्वेस्टर्स जो काफी मार्केट को क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं या स्पेशली उस स्टॉक को वॉच कर रहे होते हैं, वो भी स्टॉक को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, व्हिच लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। थर्ड इज द लेट और फोमो फेज। आफ्टर द मिडिल फेज आता है फोमो फेज, और वी कैन कॉल इट द लेट फेज, बिकॉज इस फेज में जितने भी इन्वेस्टर्स शेयर्स परचेज करते हैं वो मोस्टली मेजर रिटर्न्स को ऑलरेडी मिस कर चुके होते हैं। बट ड्यू टू द सडन एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस अलॉन्ग विद द डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक ऑल अराउंड सोशल मीडिया थ्रू मीम्स, बाकी इन्वेस्टर्स को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर करता है। Which basically means कि हर तरफ एक स्टॉक का डिस्कशन सुनकर उन्हें लगता है कि वो भीड़ से अलग हो जाएंगे अगर उन्होंने उस स्टॉक को परचेज नहीं किया, और वो इतने अच्छे रिटर्न्स को मिस कर देंगे। इसलिए और भी कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर फोर्थ इज प्रॉफिट टेकिंग फेज। आफ्टर द फोमो फेज कम्स द लास्ट फेज ऑफ द साइकिल, विच इज प्रॉफिट टेकिंग फेज। सो बेसिकली, जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पोस्ट्स एंड डिस्कशन से इन्फ्लुएंस होकर काफी नए रिटेल इन्वेस्टर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उस स्टॉक की प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड देयरफॉर वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने सबसे पहले स्टॉक को परचेज करना स्टार्ट किया था, दे बिगिन टू सेल देयर स्टॉक्स एंड जनरेट इनॉर्मस रिटर्न्स। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऑफ गेम स्टॉप शेयर, GME। GameStop is an American gaming company which sells games and merchandise through retail stores. So phase 1. Initially, Reddit जो एक community platform है, उसके एक sub forum पर कुछ investors ने decide किया कि वो GME के shares को purchase करेंगे और उन्हें hold करेंगे. और उनके इस selection के पीछे का reason था hedge funds. Basically, काफी बड़े hedge fund houses ने GME के shares को short कर रखा था, and therefore, to square off their trade, उन्हें GME के shares को purchase करना पड़ता, and अगर वो ऐसा करने में fail हो जाते, then उन्हें significant losses हो जाता, and Reddit forum got to know this, and therefore, hedge funds को loss करवाने के लिए, they started buying GME stock in large volumes, which led to an increase in the price of the stock. Then phase 2. After seeing a sudden rise in the stock price of GME, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने GME के शेयर्स को परचेज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण GME का स्टॉक प्राइस $148 को टच किया ऑन 26 जन 2021, which was on $40 on 20th जन। सिर्फ 6 दिन में इन्वेस्टर्स ने 270% का प्रॉफिट बनाया था।
फेज 3 आफ्टर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द शेयर प्राइस GME के स्टॉक की चर्चा हर जगह होने लग गई एंड देयरफॉर बहुत सारे और रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर फोमो ट्रिगर हुआ ड्यू टू विच दे आल्सो स्टार्टेड बाइंग द स्टॉक जिसके कारण स्टॉक ने $483 के हाई को टच किया था ऑन 28 जनवरी देन फेज 4 बट एट दिस वेरी हाई प्राइस अर्ली इन्वेस्टर्स स्टार्टेड कैशिंग ऑफ देयर होल्डिंग्स Due to which the price started falling and by 4th Feb 21, company ka share price $53.5 tak aa gayi thi. Jiske karan, kafi sare investors jinhone phase 3 mein stock ko purchase kiya tha high price par, unhe kafi losses hue. In fact, stock ne aaj tak $483 ke high ko kabhi touch bhi nahi kiya. So I hope इस example के थ्रू आपको meme stock की cycle की अच्छी understanding मिल गई होगी And of course, GameStop is not the only stock. BlackBerry है, AMC shares have also witnessed this pump and dump show by retail investors on social media platforms. Well, thank you for watching the video and to get regular updates on our upcoming videos, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.